तो कैसे हैं आप लोग। जल ही जीवन है, यानी कि जल है तो कल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भारत की नदियों के बारे में समझाऊंगा। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक है उत्तर भारत की नदियाँ एवं दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ तीन प्रकार की होती हैं, एक है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, दूसरा है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। जबकि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आती है। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में समझते हैं मैप में लोकेशन के साथ। तो सबसे पहले आते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदी में। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहते हैं और यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु की प्रमुख पांच सहायक नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरना, जिसे हम शेषनाग झरना भी कहते हैं, वहां से निकलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के किलांग के निकट तांडी में मिलने वाली चंद्रा और भागा नदी के मिलन स्थल से निकलती है। तो रावी नदी व्यास कुंड के उत्तर में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहां से निकलती है। व्यास नदी व्यास कुंड जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से निकलती है। तो दूसरी तरफ सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, जिसे हम राक्षस ताल भी कहते हैं, वहां से निकलती है। और ये सारी नदियां जो है पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु नदी से मिल जाती है, और सिंधु नदी ये सारी नदियों के पानी को लेते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। तो अब आते हैं गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री के निकट गौमुख हिमानी से निकलती है, वहां पर उसका नाम भागीरथी नदी होता है। यानी कि गंगा नदी जहां से निकलती है वहां पर उसे गंगा नदी ना कह के भागीरथी नदी कहते हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, और उस मिलन स्थल को ही हम वहां से गंगा नाम देना प्रारंभ करते हैं। यानी कि गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम से निकलती है। अब हम आगे आते हैं, जब गंगा हरिद्वार में आती है तो वो पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यानी कि हरिद्वार से पहले तक वह पर्वतीय क्षेत्र में बहती हुई आती है, और हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में आती है। गंगा नदी उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब गंगा की सहायक नदी की बात करते हैं। तो देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, और यमुना की अगर सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी टोंस है, और उसकी और सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो यमुना की और प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। अब हम गंगा नदी की तरफ आते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी में प्रमुख नदी हैं महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, जो गंगा के बाएं साइड से मिलती है, जबकि दाहिने साइड से सोन और पुनपुन नदी मिलती है। और गंगा नदी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज से होते हुए दो भागों में बढ़ती है। एक दक्षिण की ओर आती है हुगली नदी की तरफ, और दूसरा पूर्व की ओर जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और दोनों मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों पे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पूर्व की ओर जाती है। पूर्व की ओर जाते हुए वह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के उत्तर होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए गंगा से मिलते हुए वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो संगम होता है बांग्लादेश में, यानी कि गंगा हो गया पद्मा नदी बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र हो गया जमुना नदी बांग्लादेश में। तो पद्मा और
जमुना के संगम को बांग्लादेश में मेघना नदी कहते हैं और मेघना नदी ही बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, जो कि रॉयल टाइगर बंगाल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मैप पर ज़रूर ध्यान लगाएं, क्योंकि मैप में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि सिंधु की सहायक नदियों के बारे में मैप में पूरी तरह से दिखाया गया है, गंगा की सहायक नदियों को भी दिखाया गया है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को भी दिखाया गया है। तो आप मैप में ध्यान से देखें और उसे ढूंढें कि सिंधु की सहायक नदी कैसे कैसे बह रही है, गंगा की सहायक नदी कैसे कैसे बह रही है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कैसे कैसे बह रही है और किस किस राज्य से होकर बह रही है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आपको रट्टा नहीं मारना है, देख करके समझना है। अगर आप एक बार देख के समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में आप मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और हमसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।